बधिरों के लिए समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन, हमारे साथ हैं रजनी जी। करते हैं खबरों की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां पर पीएम ने हजारों करोड़ रुपए की सौगात दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कुछ परिवारों ने 370 पर लोगों को गुमराह किया। 370 हटने के बाद अब पहली बार कश्मीर खुली और आजाद हवा में सांस ले रहा है। कश्मीर और कश्मीरी युवा सरकार के प्राथमिक एजेंडे में शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली पर सियासी संग्राम लगातार बढ़ता जा रहा है। आज कोलकाता पुलिस ने बीजेपी की महिला मोर्चा की नेताओं को संदेश खाली जाने से रोक दिया। पुलिस ने लॉकेट चैटर्जी, अग्निमित्रा पॉल, भारती घोष जैसी नेताओं को हिरासत में लिया। वहीं गर्जना रैली में सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने बंगाल को देश का सबसे सुरक्षित राज्य बताया। हरियाणा में बोर्ड परीक्षाओं में नकल ना हो, इसके लिए कई इंतजाम किए गए हैं, लेकिन सारे इंतजाम नकल करने वालों के आगे धरे के धरे रह गए। नूह जिले में 5 मार्च को 10वीं कक्षा के फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में जमकर नकल हुई, जिसका वीडियो वायरल हुआ। इसके अलावा अंग्रेजी के पेपर में भी खुलेआम नकल हो रही है। किस तरह परीक्षा दे रहे छात्रों को खिड़की से नकल की पर्चियां पहुंचाई जा रही हैं, ये साफ साफ देखा जा सकता है। कथित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन भेजा है। ईडी की अर्जी पर यह समन भेजा गया। कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने को कहा है। इससे पहले ईडी सीएम केजरीवाल को 8 समन भेज चुकी है। आज 5वें टेस्ट मैच के पहले दिन इंग्लैंड की टीम 218 रन पर सिमट गई। धर्मशाला में खेले जा रहे मुकाबले में भारतीय स्पिनर्स ने शानदार खेल दिखाया। कुलदीप यादव ने 5 तो अपना 100वां टेस्ट खेल रहे रविचंद्रन अश्विन ने 4 विकेट लिए। इंग्लैंड की ओर से जैक क्रॉली ने सबसे ज्यादा 79 रन बनाए। इस वक्त क्रीज पर यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा मौजूद हैं। भारतीय बल्लेबाजों से बड़े स्कोर की उम्मीद है। एमएसपी की गारंटी को लेकर प्रदर्शन पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने न सिर्फ पंजाब और हरियाणा सरकार की आलोचना की, बल्कि प्रदर्शनकारियों के मंसूबों पर भी सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में दोनों ही राज्य अपनी जिम्मेदारी निभाने से नाकाम रहे, साथ ही प्रदर्शन में हथियारों के इस्तेमाल पर भी लताड़ लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा प्रदर्शन में बच्चों को आगे करना शर्म की बात है। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गांगुली बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संदेश खाली का जिक्र कर टीएमसी पर हमला बोला। अभिजीत गांगुली ने कहा टीएमसी आतंकवाद में भरोसा कर सकती है, वो लोगों को आतंकित करती है और लोगों से पैसे वसूलती है। बधिरों के लिए समाचार में फिलहाल इतना ही। Z News.